जी जनाब, एम मीटर याद करके आए? यस सर, नो सर, ओके गुड। अच्छा, एम मीटर को बढ़ाने के लिए या गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुआ वो ये कि गैल्वेनोमीटर करंट मेजर कर सकता है। क्यों कर सकता है? बिकॉज थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो इसकी वजह से आप स्केल को कैलिब्रेट कर सकते हैं और नोन करंट को एक दफा गुजार के स्केल बना लिया, उसके बाद अननोन करंट गुजारेंगे तो वो स्केल आपको रीडिंग दे सकता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि गैल्वेनोमीटर हैज टू बी अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, लिहाजा वो बहुत थोड़े करंट पे आपको डिफ्लेक्शन देगा तो थोड़े ज्यादा करंट पे फुल स्केल दे देगा, तो उससे आगे का करंट मेजर नहीं हो सकता। तो इसको फिर हमने मॉडिफिकेशन की, अपना कॉन्सेप्ट यूज किया पैरेलल कॉम्बिनेशन का और सीरीज कॉम्बिनेशन का, एंड वी कन्वर्टेड द गैल्वेनोमीटर इनटू एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर लार्ज करंट, एंड दैट्स कॉल्ड एन मीटर। अब आप ये जानते हैं कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और आप ये भी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। द ग्रेटर द पोटेंशियल डिफरेंस द ग्रेटर द करंट। तो जब थीटा डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट एंड अमाउंट ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इट मींस दैट थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब गैल्वेनोमीटर कॉइल में प्रोड्यूस होने वाली डिफ्लेक्शन उसपे उससे गुजरने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उससे गुजरने वाला करंट उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर कॉइल। तो लिहाजा गैल्वेनोमीटर कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस just like it was used to measure the current, but problem wohi hai, galvanometer is supposed to be a sensitive instrument, to wo thode se potential difference ko deflection dega aur thode zyada pe full scale de dega, to wahan tak measure hoga, usse aage ka measure nahi hoga। Maslan 1 millivolt pe agar deflection de dega to 10 millivolt pe full scale de dega, तो 10 मिलीवोल्ट से कम वोल्टेज का मेजर हो जाएगा लेकिन 15 मिलीवोल्ट, 100 मिलीवोल्ट, 1 वोल्ट, 10 वोल्ट मेजर नहीं होगा। कहानी समझ आई? यहां तक तो समझ आ गया? ये देख लेते हैं। When a current is passed through galvanometer, its coil is deflected. When a current is passed through galvanometer, its coil is deflected. The amount of current the amount of deflection is directly proportional to the amount of current
यहाँ तक तो बिल्कुल वही है जो कल लिखा था, यस एमीटर याद करके आए ना, तो ये तो वही है बिल्कुल. द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट एंड हेंस द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड हेंस द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कॉइल. And hence the amount of potential difference across galvanometer coil. ये इजाफी जुमला हो गया इसका. आगे क्या लिखे? एमीटर याद क्या लिखा था आगे? A galvanometer can be used to measure current, but very small value of current in milliampere. So, आज क्या फर्क होगा? Yes, a galvanometer can be used to measure potential difference. A galvanometer can be used to measure potential difference but kya problem hai ji, its coil gives full scale deflection but its coil gives full scale deflection for a very small value for a very small value of potential difference. For a very small value of potential difference. Bracket में लिखेंगे मिली वोल्ट्स, मिली एम्पियर में लिखेंगे आप, ब्रैकेट में लिखेंगे मिली वोल्ट्स. तो जनाब सिचुएशन ये है कि एक गैल्वेनोमीटर है जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है 10 मिली वोल्ट पे, जो हाफ स्केल डिफ्लेक्शन देता होगा 5 मिली वोल्ट पे, जो क्वार्टर स्केल डिफ्लेक्शन देता होगा 2.5 मिली वोल्ट पे, और जो 1/10 ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता होगा 1 मिली वोल्ट पे. तो ये है जो गैल्वेनोमीटर है, जो उसकी परफॉर्मेंस है. दिस इज व्हाट अ गैल्वेनोमीटर इज डूइंग एंड द क्वेश्चन इज हम क्या चाहते हैं, व्हाट डू वी वांट. फॉर एग्जांपल हम क्या चाहते हैं कि वो कब फुल स्केल दे, कितना वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, 100 वोल्ट. चले हम 100 वोल्ट मेजर करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं 100 वोल्ट पे फुल स्केल दे, उससे पहले फुल स्केल ना दे, यानी हाफ स्केल कब दे, 50 वोल्ट पे. क्वार्टर स्केल कब दे, 25 वोल्ट पे, 1/10 कम दे, 10 वोल्ट पे. तो सोचिए क्या हमें इस गैल्वेनोमीटर में इस कॉइल के साथ एक मॉडिफिकेशन करनी है, और उसका मकसद ये होगा कि गैल्वेनोमीटर को बेवकूफ बनाना है. और वो कैसे बनाएंगे कि हम ये अरेंजमेंट करेंगे कि जिस वक्त टोटल वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट का, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इंस्ट्रूमेंट का 100 वोल्ट हो, उस वक्त गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस सिर्फ 10 मिली वोल्ट हो, इतना थोड़ा, तो बाकी सारा काम हो उस रेजिस्टर के अक्रॉस से जो हम जोड़ने जा रहे हैं इसके साथ. तो हमें गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टर जोड़ना है, और उस रेजिस्टर का पर्पस है कि वो किसको डिवाइड करेगा, अपनी दफा पोटेंशियल डिफरेंस को, करंट को डिवाइड नहीं कराना है, किसको डिवाइड कराना है, पोटेंशियल डिफरेंस को. तो अगर 100 वोल्ट टोटल वोल्टेज है तो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस सिर्फ 10 मिली वोल्ट हो, 0.01 वोल्ट, बाकी सारा 99.99 वोल्ट दूसरे रजिस्टर को मिल जाए, so potential difference divide हो जाए. तो which combination should this be? So we need a resistor in series combination. Excellent. और जब ये resistor series में लग जाएगा, तो हमारा मकसद अचीव हो जाएगा. 50 volt total voltage होगा, और galvanometer को मिलेगा सिर्फ 5 millivolt, और बाकी सारा
बाकी सारा रेजिस्टर के क्रॉस हो जाएगा, तो टोटल वोल्टेज 50 होगा। गैल्वानोमीटर समझेगा 5 मिली वोल्ट है, वो हाफ स्केल दे देगा और हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और गैल्वानोमीटर भी वैसे कहानी समझे। तो व्हाट डू यू थिंक, इस रेजिस्टर की वैल्यू लो होनी चाहिए या हाई होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। आर यू हाई? सोच के बोले कह कह हाँ हाँ नींद नहीं आई थी जी। रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होनी चाहिए हाई होनी चाहिए? हमें टोटल वोल्टेज का ज्यादातर हिस्सा कहाँ भेजना है? रेजिस्टर को। थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर को मिलना चाहिए। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो वोल्टेज सेम रहता है? नहीं, शाबाश। क्या सेम रहता है? गुड। क्या सेम रहता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू व्हाट? V इज इक्वल टू आई आर। क्या सेम है? तो वोल्टेज इज, सो द ग्रेटर द रेजिस्टेंस। तो हम क्या चाहते हैं कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस ज्यादा ज्यादा वोल्टेज हो या कम से कम हो? लिहाजा इसकी रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए। शाबाश, बिल्कुल सही, गुड। तो क्या होगा अगला जुमला? गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद दिस कॉइल। ठीक है, उसका नाम बता देंगे अभी। उस रेजिस्टर को कहते हैं मल्टीप्लायर। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, नई लाइन से, अ गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस कॉल्ड मल्टीप्लायर by connecting a high resistance called multiplier in series with its coil. By connecting a high resistance called multiplier in series with its coil. Okay. The scale of instrument is so calibrated. The scale of instrument is so calibrated that now it gives potential difference in volts. नई लाइन से क्या लिखें? सपोज क्या? वी वांट टू मेजर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। एक्सीलेंट। सपोज वी वांट टू मेजर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अप टू वी, यानी जिसको हमने 100 वोल्ट माना, फर्स्ट के लिए वी है। सपोज वी वांट टू मेजर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अप टू वी and the galvanometer coil gives full scale deflection for a potential difference VD, for a potential difference VD, आगे भूल जाना।
the resistance of shunt. Shunt नहीं multiplier, shunt तो कल हाँ जी. आगे शावल the resistance of multiplier क्या? It's so adjusted. Shower. The resistance of multiplier is so adjusted. The resistance of multiplier is so adjusted that when a potential difference V, when a potential difference V occurs across, when a potential difference V occurs across voltmeter, comma, a potential difference Vg occurs across galvanometer coil. When a potential difference V occurs across voltmeter, comma, potential difference Vg occurs across galvanometer coil, and rest of potential difference, and rest of potential difference occurs across, rest of potential difference occurs across multiplier. Excellent. Rest of potential difference occurs across multiplier. If Vx is the potential difference across multiplier, Vx multiplier के हम x use कर रहे हैं आज, तो Vx, if Vx is the potential difference across multiplier, क्या समझे आप? ये है हमारा क्या, ये हमारा क्या वोल्ट मीटर, ये है मल्टीप्लायर की रेजिस्टेंस आर एक्स, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस आर जी, टोटल वोल्टेज अप्लाई किया कितना, हाँ जी वी, जब टोटल वोल्टेज अप्लाई किया वी तो उसमें से गैल्वानोमीटर को मिला वी जी और मल्टीप्लायर को मिला बाकी सारा विच इज वी एक्स. तो डायग्राम देख के आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी एंड वी जी एंड वी एक्स. वी इज इक्वल टू क्या, यस दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज एड हो जाता है, तो इसका वी जी है, इसका वी एक्स है, टोटल हो गया वी, तो वी इज इक्वल टू क्या, वी जी प्लस वी एक्स. तो यही आपने लिखना है, आपने लिखा इफ वी एक्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मल्टीप्लायर, देन क्या इक्वेशन, वी इज इक्वल टू वी जी प्लस वी एक्स. बस अब जिंदगी आसान आ गया, अब हमें सिर्फ Vg की इक्वेशन बनानी है और Vx की इक्वेशन बनानी है, सही. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वानोमीटर, रेजिस्टेंस कितनी, रेजिस्टेंस कितनी Rg, करंट कितना Ig, तो Vg इज इक्वल टू Ig Rg. लेकिन इसमें क्या रेट है हमारे लिए, हाँ अभी आ रहे हैं, अभी हमने कब कहा कि मल्टीप्लायर का दिखता है, अभी सिर्फ गैल्वानोमीटर का बता रहे हैं ना, तो गैल्वानोमीटर का करंट कितना है Ig, और ये वो करंट है जिस पर वोल्टेज कितना है Vg, और Vg वो वोल्टेज है जिस पर वो फुल स्केल रिफ्लेक्शन देता है, इसका मतलब Ig वो करंट है जिस पर वो फुल स्केल रिफ्लेक्शन देता है. लिखिए, इफ गैल्वानोमीटर गिव्स फुल स्केल रिफ्लेक्शन एट अ करंट Ig, इफ गैल्वानोमीटर गिव्स फुल स्केल रिफ्लेक्शन एट अ करंट Ig and Rg is the resistance of galvanometer, and Rg is the resistance of galvanometer, then kya Vg is equal to Ig Rg.
तो हमें ये क्वेश्चन लिखनी थी, लेकिन उससे पहले हमें बताना था आरजी क्या और आईजी क्या, तो वो सेंटेंस लिखा हमने कि आईजी क्या है वो करंट जिसपे कोलिस्टेड डिफ्लेक्शन आ रही है, आरजी क्या है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो हमारी क्वेश्चन हो गई वीजी इज इक्वल टू आईजी आर। अब Vx किसके बराबर होगा? Ix, Rx क्या हुआ? रेजिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर। अच्छा, लेकिन मल्टीप्लायर और Rg कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज में, क्या सेम रहता है? तो गैल्वेनोमीटर का करंट कितना है? तो इसका कितना होगा? Ig। तो क्योंकि ये सीरीज में है, लिहाजा हम डायरेक्टली इस इक्वेशन में Ig लिख सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज में है लिहाजा जितना करंट इधर होगा उतना इधर होगा। तो हम जब Vx इक्वेशन लिखने जाएंगे तो बजाय Ix लिखने के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? Ig। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी क्या? Vx इज इक्वल टू Ig Rx। तो लेकिन पहले बताना पड़ेगा, सिंस गैल्वेनोमीटर एंड मल्टीप्लायर आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सिंस गैल्वेनोमीटर एंड मल्टीप्लायर आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आप इक्वेशन लिख लें, देयरफॉर Vx इज इक्वल टू Ig Rx, देयरफॉर Vx इज इक्वल टू Ig Rx। लेकिन अब यहां बताना पड़ेगा Rx कौन है, ठीक है? तो नीचे नई लाइन में लिखेंगे वेयर Rx इज रेजिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर, वेयर Rx इज रेजिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर। तो हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई, तीनों को नंबर कर देते हैं, 1, 2 एंड 3, सही? वन टू एंड थ्री। तो अब हम क्या करने जा रहे थे? ऐड करने जा रहे थे इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, कहां प्लेस करेंगे? इक्वेशन वन में, ठीक है? तो फ्रॉम इक्वेशंस वन टू एंड थ्री, फ्रॉम इक्वेशंस वन टू एंड थ्री, वी इज इक्वल टू इक्वेशन वन है, v इज इक्वल टू vg प्लस vx, तो 1, 2 एंड 3, तो 2 के मुताबिक vg किसके बराबर है? ig rg। तो v इज इक्वल टू ig rg प्लस इक्वेशन 3 कहती है vx इज इक्वल टू ig rx, तो v इज इक्वल टू ig rg प्लस ig rx, कौन कॉमन? यस, तो ब्रैकेट में बचा Rg प्लस Rx। तो Ig या मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो V अपॉन Ig इज इक्वल टू Rg प्लस Rx, V अपॉन Ig इज इक्वल टू Rg प्लस Rx। हमें किसकी इक्वेशन चाहिए होगी? हाँ जी, Yes, we need the equation for multiplier. So Rx की equation आपके सामने आ गई है। Rx is equal to क्या? जी, plus Rg वहां जाता है। तो V upon Ig minus Rg. That's your equation. Rx is equal to V upon Ig minus Rg. तो एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए मल्टीप्लायर चाहिए सीरीज में, और उसको उसकी वैल्यू मालूम होने के लिए क्या मालूम होना चाहिए? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, वो करंट जिस पर वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, ठीक है? ये दोनों चीजें वो ही हैं जो एमीटर में भी चाहिए होती है। और तीसरी चीज क्या? वो मैक्सिमम रेंज जिसका हम वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं, और उसमें क्या चाहिए था? करंट। वो मैक्सिमम रेंज जिसका हम एम मीटर बनाना चाहते हैं, तो वहां आई चाहिए था,
जहां वी चाहिए. तो अगर वी मालूम हो और आई डी और आर डी मालूम हो तो यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ आया खाली शरीफ में. एक आखिरी सेंटेंस क्या होना चाहिए? वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सर्किट के साथ पैरेलल में. एक्सीलेंट, क्योंकि वोल्टेज मेजर करना है तो सेम वोल्टेज चाहिए. सो द लास्ट सेंटेंस इज वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट. वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट. Voltmeter meter is always connected in parallel with the circuit. ठीक. एक numerical कर ले. नहीं? No sir. Numerical का mode नहीं है. उससे अच्छा काम करते हैं. टेस्ट हो जाए मीटर वोल्टमीटर का. नहीं, टेस्ट लेंगे लेकिन उसके लिए आपको 5 मिनट देते हैं वोल्टमीटर याद करने के. अच्छा, अगर नहीं याद हुआ तो नहीं लूंगा, लेकिन आप 5 मिनट लेंगे वोल्टमीटर याद करने. नहीं जाया होंगे पक्का, लिखवा ले मुझसे. आपको खुद अपनी सलाहियतों पर हैरत होगी कि आप 5 मिनट भी कुछ याद कर सकते. Thank you.
Start now. सवाल पढ़ रहेगा रजिस्टर खोला हुआ कितनी बड़ी चीज है अल खामोशी
5 minutes left. डायग्राम जरूर बनाइएगा, 0.5 मार्क्स डायग्राम के हैं।
तो जब मैं कहूँगा स्टॉप राइटिंग तो मुझे 30 सेकंड अंदर कॉपियां मेरे पास चाहिए, आगे बढ़ाते जाइएगा तेजी से। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कर दीजिए, कॉपीज आगे भेज दीजिए, मैं 30 सेकंड बाद कमरे से गायब हो जाऊंगा। या आइए तो हेलो महिमा, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस पेपर का एटलीस्ट 70% अटेम्प्ट कर लिया और उससे ज्यादा कर लिया, 70% या उससे ज्यादा कर लिया, और ये कितनी देर में याद किया? 5 मिनट। तो आप 5 मिनट में इतना बड़ा टॉपिक याद कर सकते हैं। अगर अदरवाइज कहा जाए ना, कल आपको डेट साबित हुआ बहुत बड़े ड्रामे हैं, अपने साथ भी ड्रामा करते हैं, अपने आप को भी डराते हैं, हम कैसे करेंगे? 5 मिनट में आपने याद किया और मेजोरिटी ने कर लिया है। और इसके इनाम के तौर पे इस पेपर में जिसके भी 2 या +2 मार्क्स आएंगे उसको 0.5 एक्स्ट्रा मिलेगा मिड टर्म में, और जिसके 3+ आएंगे उसको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, और उन लोगों के लिए आसानी हुई होगी जिन्होंने एमीटर याद करके आए थे, और जो एमीटर याद करके नहीं आए थे, अगर कल किसी से क्लास नहीं ली थी तो उनसे माजरत के, उनका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये याद रखिए कि हम कभी कभी सीरियस भी बात करते हैं, हमारी बात में कोई वजन होता है। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे, कैलकुलेटर एंड दिमाग साथ लाइएगा।